उस्मान साहब, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी? उस्मान साहब, आप ही कहते हैं ना कि अगर बच्चे घर या घर की इज्जत का ख्याल न रखें तो उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। किसकी बात कर रही हैं? आपकी भांजी की। क्योंकि जब से इस घर में ये आई है, इस घर में और किसी की बात ही नहीं होती। पर इस बार आपकी भांजी ने आपका और इस घर का ख्याल ना रखते हुए निकाह में मिले सारे जेवर बेच दिए। ये तुम क्या कह रहे हो जैन? मैं नहीं, मॉम कह रही है। क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ऐसा कर सकती है। लेकिन गलत लगता है। जेवर तो यहां इसीलिए कहता हूं कि इतना ईगो मत रखा करो। माना कि हमारी सुबह से बातचीत नहीं हुई, लेकिन जब बात आ जाए इल्जाम लगने की तो मुझे पूछ तो नहीं थी कि मैंने ज्वेलरी कहाँ रखी है। मगर नहीं, जान जाए पर आ ना जाए, थोड़ी तो कॉमन सेंस यूज कर लेती आलिया। अब मैं ज्वेलरी लेके बेचने थोड़ी ना जाऊंगा, मैं तो बैंक में रखने जा रहा था। अब ये बात भी आपसे कह नहीं पाई। आपकी भांजी भी ना कितनी मैच्योर है। ज़ैन, तुमने वो गहने बैंक लॉकर में क्यों रखे? वो हमारे रूम का लॉकर खराब हो गया। अब मुझे तो ज्वेलरी की कोई टेंशन नहीं है, इस बेचारे की रातों की नींद खराब हो गई। मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने सोचा ज्वेलरी लॉकर में रखवा देते। लेकिन मॉम, मेन बात यह है कि इसे आपको बताना तो चाहिए था। खाम खा के मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि ज़ैन अब्दुल्ला से बात नहीं करनी इसे। आलिया, ज़ैन ठीक कह रहा है बेटे, तुम लोगों की नाराजगी एक जगह, लेकिन ये इस किस्म की बात तुम्हें पूछ लेना चाहिए। आखिर शौहर है तुम्हारा। अब एक बात बार बार थोड़ी ना समझाई जाती है। अरे अब तुम समझदार हो गई हो, अब तुम बच्ची थोड़ी ना रही हो।
ऐसे क्या घूर रही हो? मैं आज सबके सामने एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जेवर अब तुम्हारे, मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना, तुम ही संभालो इसे। ले जाओ बेटे और एहतियात से अंदर रखो, पहली बार तुम्हारा मियाँ अकल की बात कर रहा अंदर चलो, घूरना बंद करो और अंदर चलो। इतनी नफरत करते हो तो बचाया क्यों? कुछ बोलोगे? तुम अंदर तो चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। सुरेख बेगम, जिस तरह से आपने मुझे फोन करके बुलाया, मैं तो घबरा गया कि पता नहीं क्या हो गया। घर के बच्चे ही अगर घर की इज्जत ना करें तो, ऐसा ही कुछ कहा था ना आपने फोन? बात की तह तक पहले पहुंचना चाहिए, उसके बाद नतीजे। मुझे हालिया पे पूरा यकीन है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो बच्ची हमेशा वही करेगी जो उस घर के लिए सही है और सच है। मेरी राय है कि आप भी उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया करें। उसमें सब वो तो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी, तो ऐसे में मैं क्या समझती? मैंने बस सोचा कि सामने वाला गलत है और उनके मन में चोर है। मगर अब तो बात साफ हो गई, जैन ने बता दिया क्या हुआ, क्यों हुआ। एक बात नोटिस की आपने? जब भी इन दोनों के बीच कोई इख्तलाफात होते हैं तो जैन हमेशा आलिया की हिमायत के लिए खड़ा हो जाता है। आई काइंड ऑफ लाइक दिस। हम जानते हैं कि उन दोनों के बीच कुछ मुश्किलें हैं, कुछ नाइत्तफाकी है, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आती है तो जैन हमेशा आलिया की हिमायत के लिए पहुंच जाता है। उस रोज मुदखाई के रोज भी यही हुआ था। जब मैं ये सब देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद मेरा फैसला गलत नहीं था। सुरेख बेगम, इश्क ऐसे ही शुरू होता है। एक मरतबा शुरू हो गया तो फिर मैं और आप क्या दुनिया देखी। आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन ज़ैन एंड आलिया। हाँ, थैंक गॉड भाई ने मुझे सब कुछ सही वक्त पर बता दिया। पागल हो तुम, पूरी पागल। बता नहीं सकती थी मुझे क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो? गहने गिरवी रखा है भाई के लिए, पैसे दिए भाई के लिए, वो फोन कॉल्स और मैसेजेस भी भाई के रहे होंगे। तुम्हें क्या लग रहा था ज़ैन? किसके फोन मैसेजेस आ रहे थे? तुम्हें जलन हो रही थी? फहद भाई,
जलना और किटकिट करना कुछ लोगों की पुरानी आदत है। रॉकी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब तक तो मुंबई पहुंच गया होगा। पूछूं तो कि मेरे फोटोज कैसे आए और कब और कहां छपेंगे? गुलाम साहब। जी? बिटिया, गुलाम साहब घर पे हैं? अब जी नहीं, अबू के लिए कोई मैसेज है तो आप? कुछ खास नहीं बिटिया, उन्होंने कहा था कि एक छोटी मोटी किस्त कुछ दिनों में अदा कर देंगे। जी, दरअसल अबू की तबीयत आजकल बहुत खराब चल रही है, अम्मी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई है। मैं समझता हूँ बिटिया, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने पहले ही समझाया था कि उतना ही कर्ज लीजिए जितना अदा कर सके, इतना कर्ज नहीं उठा लें कि कमर ही टूट जाए। खैर, ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, अब्बू आए तो उनसे कह देना कि किशोरी भाई आए थे और कहकर गए कि घर खाली करने में सिर्फ 35 दिन बाकी हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अब सिर झुकाने से काम नहीं चलेगा, समझी? तुम्हारी वजह से फिर से तमाशा हुआ है यहाँ और रिजल्ट जीरो। अपनी आंखें चेक करवा लो। मम्मी, मैं आपको कह रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन उस सुनार की दुकान में आलिया ही थी। अगर आलिया वहां पे नहीं होती तो आपके पूछने पर वो इनकार कर देती, लेकिन वो तो चुप रही, उसने कुछ भी नहीं कहा। मम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ, वो बुरी तरह फंस गई थी, लेकिन बस जैन आ गया और उसने उसे बचा लिया। हाँ, जैन ने आलिया को बचाया तो क्यों बचाया? और अगर वाकई आलिया ने वो गहने गिरवी रखे थे तो जैन के पास इतने पैसे कहां से आए कि वो उसे छुड़ा कर ले भी आए? मालकर तो यार, इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी कैसे इंतजाम हो गए? कुछ तो बताओ। फहद भाई कुछ पूछ रहे हैं। मुझे इतनी फिक्र हो रही है, मेरे लिए भी गहने बेचने वालों की कमी नहीं है। बिल्कुल, जब फहद भाई के पास मेरी जैसी बहन है तो तुम्हारे पास भी बहुत सारी बहनें होंगी। खैर, फहद भाई, वो आपकी चीज जो उनके पास रखी है वो उन्होंने लौटाई? हाँ भाई, लेकिन वो चीज है क्या? ये उतना ही कर्ज लीजिए जितना अदा कर सके, इतना कर्ज नहीं उठा लें कि कमर ही टूट जाए। घर खाली करने में सिर्फ 35 दिन बाकी हैं। कमाल का शहर है मुंबई। ये जो तुम्हें यहाँ एक दिन की मॉडलिंग के 25,000 रुपए मिले हैं, वहां पर तुम जैसी मॉडल को एक दिन के पता कितने रुपए मिलते हैं? 1,00,000 रुपए। और अगर कभी तुम्हें मॉडलिंग करने का मन करे ना तो सीधा मुझे फोन करो, लेकिन इस बार तुम्हें मुंबई आना पड़ेगा। मुझे अबू की मदद के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। एक सेकंड नहीं हुआ था आपको मैसेज किए। सच बताऊं तो जब से मुंबई आया हूं ना तब से तुम्हारे मैसेज का वेट कर रहा हूं। एक्चुअली मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने कम टाइम में मुझे इतनी अच्छी दोस्त मिली। अच्छा रॉकी, आप कह रहे थे ना कि अगर मैं मुंबई आ जाऊं तो चांसेस? ऑफ कोर्स। मैं, मुझ पे यकीन नहीं है क्या? नहीं, यकीन है।
लेकिन मैं उस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, इसीलिए पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करूँ। अगर मैं मुंबई आ जाऊं तो मेरा मतलब है कि चांसेस लगते हैं। चांस कहाँ मिलने का? काम तो तुम्हें डेफिनेटली मिलेगा। और महीने का कितना कमा लूंगी? वही जो मैंने कहा, एक असाइनमेंट के 1.5 लाख रुपए, और अगर महीने में 2-3 असाइनमेंट करोगी तो 3-3.5 लाख रुपए आराम से मिल जाए। 3-3.5 लाख? लेकिन तुम मुंबई आ पाओगी? अंकल आंटी आने देंगे तुम? ये तो फोन पे किसके साथ लगी रहती है? अमी वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। कॉलेज की फ्रेंड? कौन सी? बोलो रुबीना। रुबीना? पहले तो इसका नाम कभी नहीं सुना। बोलो नई फ्रेंड बनी। अमी नई फ्रेंड बनी है। बात कर लूं वरना क्या सोचेगी मेरे बारे में? अंदर रख देना। जी अमी। Hey, आंटी। हाँ बाल बाल बची। मेरे होते ही कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो रेड कार्पेट कब के लिए बुक करूँ? रेड कार्पेट? मुंबई में तुम्हारे वेलकम के लिए। वो कर्ज इतना ज्यादा था कि वो किसी बात पे राजी नहीं हो रहे थे, तो मैंने गारंटी के तौर पे बरकत रोयाल के पेपर्स रखवा दिए थे उनके पास। क्या कह रहे हैं भाई? भाई आपने होटल के पेपर्स, 2 करोड़ रुपयों के लिए आपने 200 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर्स रखवा दिए? वो होटल टाट का गुरूर है। फहद भाई पहले से बहुत शर्मिंदा है, उन्हें और शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं। और तुम्हारी तो आदत है, एक बार कोई बात पकड़ ली तो रगड़ते रहो। ये नया वकील कहां से पकड़ लिया आपने? वकील नहीं, बहन है मेरी। अल्लाह ने तो इसे कई साल पहले भेजा था, लेकिन मेरी जिंदगी में तो हाल फिलहाल में दाखिल हुई, और वो भी तुम्हारी बदौलत। जी पापा। जी जी जी। अच्छा जी जी, मैं अभी आ रहा हूं। रघु भाई के यहां अर्जेंटली जाना होगा, पेपर्स मिल रहे हैं वापस, तो मैं जरा होकर आता हूं। मैं भी चलूंगा भाई आपके साथ। मैं भी चलूंगी। तुम दोनों मेरे साथ क्यों चलोगे? ये सब मेरा किया कराया हुआ है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं निमटूंगा। मैं भाई के साथ जा रहा हूँ। मैं भी जा रही हूँ। तुम क्यों जाओगी? उस दिन जब ऑफिस में गुंडे आए थे तो तुम वहां नहीं थे ना? मैं थी, और मैं नहीं चाहती मेरे भाई गुंडों के बीच अकेले जाए। शायद तुमने सुना नहीं, रघु भाई के यहाँ जा रहे हैं। वहां लड़कियां नहीं, सिर्फ मर्द जाते हैं। तुम्हारी मर्दानगी तो वैलेंटाइंस डे के शाम में देखी चुकी, गली के गुंडों के बीच तो तुम्हारी फुस हो गई थी, और ये रघु भाई तो बहुत बड़ा डॉन लगता है। और तुम क्या हो? Wait, let me guess, झांसी की रानी? तुम्हारी हिम्मत और ताकत का अंदाजा तो उसी शाम पता चल गया था।
गुंडों ने तुम्हें रोका। तब कहाँ थी तुम्हारी हिम्मत? रोंदू जैसी शक्ल में आके खड़ी थी। वो कर्ज इतना ज्यादा था कि वो किसी बात पे राजी नहीं हो रहे थे, तो मैंने गारंटी के तौर पे बरकत रॉयल के पेपर्स रखवा दिए थे उनके पास। हमें मिलकर बरकत रॉयल के पेपर्स डॉन के डेन से निकालने ही होंगे। Thank you.